मुश्किल हो रहा है इसको स्टार्ट होना, क्योंकि बहुत ठंडी हो चुकी है। जब स्टार्ट करें 2-3 सेकंड रेस्ट दे के करें, वरना जो इसकी कोयल होती है उसके अंदर कुछ सेल्स मैग्नेट टाइप होते हैं, वो घिस जाते हैं। ये देखिए किस तरह बरस रही है बर्फ। क्या स्कूटियां उल्टियां लगवाते हो आप? क्यों उल्टे क्यों लगवाते? सब उल्टे लगाते हैं मेरे सिवा, इसने रास्ता बंद रखा है। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, बर्फ वाला, बहुत ही ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। लेकिन जहाँ पे शहर होते हैं वहाँ धुआँ ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो भी बर्फ़ बरस रही है उसको धुएँ की गर्मी की वजह से बर्फ़ गल जाती है और पानी की शक्ल इख्तियार करके नालियों में बह जाती है। अभी इस बर्फ़ की वजह से सिर्फ कीचड़ ही हुआ है, उतनी ज़्यादा ज़मीन पे जमा हुई नहीं है, क्योंकि जो जो कतरे नीचे पड़ रहे हैं ज़मीन पे वही गाड़ियों से कुचले जा रहे हैं और पानी की शक्ल इख्तियार करके अपना किनारा इख्तियार कर रहे हैं। देखिए अल्लाह की कुदरत, जब चाहे वो कतरे को बर्फ़ बना दे, जब चाहे वो कतरे को बारिश बना दे, शक्ल सेम है, इनका देश सेम है, तहसील सेम है, लेकिन बारिश की अपनी लज्जत और बर्फ़ की अपनी लज्जत। आप कभी बर्फ़ में चीनी को या जो रूह अफजा होता है या ऐसी कोई मीठी चीज़ें होती हैं उनको मिला के खाइएगा, जैसे चॉकलेट्स होते हैं, चॉकलेट्स को मिला के खाइएगा तो उसका अलग ही असर आपको नज़र आएगा। अब लिफ्ट मांग रहे हैं, मैं लिफ्ट दूँगा इनको। भैया गलत मखलूक, अभी जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि सर्दी में हेलमेट का शीशा बंद करते हैं तो पूरी जो हमारी भाप है वो शीशे को कवर करती है। तो मैंने भी अभी शीशा हेलमेट का बंद किया था लेकिन अभी वो पूरा भाप से भर गया है, इसलिए मैंने खोल दिया वापस। सर्दी मेरे ख्याल से इस वक्त -1 डिग्री होगी, लेकिन अब आदत हो गई है, जैसे कि गर्मी की भी आदत हो जाती है। आप चलते हैं बिना सोचे बिना। महिंद्रा की नई गाड़ी EV लॉन्च हुई है, ये देखिए आप XUV 400। कीमत तो मुझे नहीं पता, अंदाजा लग रहा मुझे 16-17 लाख के बीच होगी। यपर आज ट्रैफिक जाम बनियार, यपर اہن حظ حضرات، میرا ولاگ ہوتا ہے آج کا یہیں پہ اختتام پذیر، ملتے ہیں اب نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے سفر کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔